हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमरस निशी। सो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं बहुत समय बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सॉरी गाइस, मैं बिजी थी, मेरे एग्ज़ाम थे और साथ में मेरी कज़न की वेडिंग की शॉपिंग और भी बहुत सारे काम। बट इस बार मैं रेगुलर होने वाली हूँ, रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी। खैर, बातें तो होती रहेंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्री वेडिंग शूट का व्लॉग। तो मेरी कज़न की जो है प्री वेडिंग शूट है हो रहा है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हवेली, जो कि जलंधर पंजाब में है। तो अभी हम पहुंच गए हैं हवेली, तो पार्किंग एरिया पर है। हम वेट कर रहे हैं कि वो कब हमें अलाउ करें शूटिंग के लिए। बट गाइस, एक बैड न्यूज़ है कि उन्होंने ऐसे प्री वेडिंग शूट के लिए मना कर दिया, पता नहीं क्यों। हम वेट कर रहे थे कि वो मान जाएं। वो कहते हैं आप फ़ोन से ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, पर आप प्री वेडिंग शूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं कार में वैनिटी ओपन करके जस्ट ऐसे ही फ्री बैठी थी, हल्का सा टचअप कर रही थी अपनी कज़न के मेकअप का। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं और, कि कोई अच्छी सी हमें है ना कोई लोकेशन मिल जाए जहाँ पर हम शूट कर सके, प्री वेडिंग शूट कर सके। तो अभी हम जा रहे हैं किसी विलेज में, दोसांझ कला जा रहे हैं हम, जो कि कहते हैं कि बहुत सुंदर बना हुआ है। काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं प्री वेडिंग शूट के लिए। तो मैं जा रही हूँ और साथ में वीडियो भी बना रही हूँ। मैंने सोचा इस बार मैं ये जो व्लॉग है, ये जो वीडियो है, ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हम पहुँच गए हैं उस विलेज में, विलेज ही कह सकते हैं। हाँ, देख सकते हो यहाँ पर कितनी हरियाली है और ये कितना सुंदर मिट्टी का घर बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो मैंने बस जाते ही, गेट के पास पहुँचते ही मैंने कैमरा ऑन कर लिया था कि हाँ, मैंने पूरा शूट करना है प्रॉपर। तो आप जैसे देख सकते हो कि नीचे भी बिल्कुल मिट्टी है और पूरा घर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है। पेड़ बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर थे और मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, इतनी खुश हूँ कि मतलब मैंने ऐसी जगह पहली बार देखी है। मैं घर से कम ही निकलती हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है मेरी दी और जीजू का प्री वेडिंग शूट, तो आप देख सकते हो। तो मैं साथ में साइड वाली लोकेशन सारा कुछ शूट कर रही थी। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर पुराना जो है टेलीविज़न भी पड़ा हुआ है, कितना सुंदर सा बड़ा सा पेड़ है। और ऊपर छत पर भी शूटिंग चल रही थी। और देख सकते हो यहाँ पर गाइस, ये चरखा है, कितना सुंदर है। मैंने इसको पहली बार देखा है, इस चरखे को। और भी बहुत कुछ बना हुआ था। तो मैं यहाँ पर मटका लेके घूम रही हूँ। मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैंने सूट क्यों नहीं पहना। तो मैंने क्या किया, अपनी कज़न के दुपट्टे को ले लिया और बस फील कर लिया कि मैंने सूट पहना हुआ है। तो अभी मैंने पकड़ी हुई है इतनी बड़ी गन, इसको मैंने पहली बार पकड़ा है गाइस। ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे ये पकड़नी नहीं आ रही थी, इतनी भारी थी। तो वैसे ये काफ़ी कुछ ऐसे मतलब प्रोवाइड करते हैं शूटिंग वगैरह करने के लिए, गन वगैरह और भी काफ़ी कुछ देते हैं कि जो हम वीडियो वगैरह में दिखा सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ आगे, लोकेशन और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पर हमें उन्होंने रूम दिया था छोटू सा, वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो गाइस, से रूम मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ा क्यूट सा रूम है, बड़ी सुंदर सी हट टाइप बना हुआ है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर भी कितना बड़ा गार्डन है, ये ब्रिज बना हुआ है ना, बड़ा ही अच्छा है। तो वैसे मैं बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी, चुप करके बस वीडियो शूट कर रही थी। तो मुझे मतलब इतना बोलना नहीं आता, क्या बोल रही हूँ मैं मुझे खुद नहीं पता। नेक्स्ट, अभी मैं लेके जा रही हूँ आपको अपने रूम की तरफ। मैं चुपचाप बस व्लॉग शूट कर रही थी, मैंने सोचा था कि मैं बोलूँगी, बट मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, मेरे से बिल्कुल नहीं बोला जाता। तो ये आप देख सकते हो कितना छोटू सा ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर। तो ये है मेरा रूम, मेरा नहीं, हम सबका रूम जो हमें उन्होंने दिया था। ये इतना क्यूट सा छोटू सा रूम उन्होंने हमें दिया था, छोटी सी हट टाइप ये बना हुआ है। तो चलो, इसको मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरी वैनिटी पड़ी है और भी हमारा सामान, जो कपड़े वगैरह थे। ये दो चेयर हैं, बहुत सुंदर थी गाइस ये चेयर। और छोटा सा मिरर उन्होंने हमें दिया है। तो मुझे यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं बस इधर उधर घूम रही थी, कैमरा पकड़ के देख रही थी। और ये लो, मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ये रूम के बाहर पेड़ लगा हुआ है जिस पे लाइट्स लगी हैं, वो देखो। तो पीछे मेरे भैया हैं जो मेरी हेल्प कर रहे थे, वो कह रहे थे कि तू शूट कर, तो बाकी मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। तो इसको पता नहीं क्या करते हैं जहाँ पर ये खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी प्री वेडिंग शूट ही चल रहा था इनका, वो लगे हुए थे बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर फ्री थी, टाइम पास कर रही थी,
जैसे कि आप देख सकते हो चुपचाप करके गाइस मैंने ये व्लॉग शूट किया है। मैंने कोशिश की थी बोलने की पर सब फिर ना ऐसे देखते थे तो मतलब मेरे से बोला नहीं जाता, चुपचाप ही मैंने शूट कर लिया सब कुछ। मैंने सोचा घर जाके बोलूंगी आराम से। और यहाँ पर हो चुकी है ड्रेस चेंज और फिर से चल रहा है शूट 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 और मैं बोर ना हो जाऊँ तो इसलिए मैं भी बस कैमरा खोल के बैठी हूँ और शूट कर रही हूँ कि चलो शूट करते हैं। और यहाँ पर ये जो है टेलीफोन वाला बना हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना चलो अंदर चलते हैं इसके और जो टेलीफोन पड़ा है उसको यूज़ करके देखते हैं। वैसे ये बहुत पुराना था तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता था, मैंने पता नहीं क्यों इसको यूज़ किया, बस ऐसे ही लगी हुई थी नंबर वगैरह डायल करने। और बस डायल करके क्या किया, कान पर लगा लिया फ़ोन और बना लिया एक वीडियो कि चलो वीडियो ही बना देते हैं, चलता तो है नहीं बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पर मैं अपनी कज़न के हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ, बाय द वे उनके मेकअप से वगैरह हेयर स्टाइल वगैरह सब मैंने किया था। ओके तो अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ इस स्कूटर के ऊपर और मुझे ये बिल्कुल भी चलाना नहीं आता, ये फिर से ये फ़ोटोज़ वगैरह के लिए होता है सब कुछ यहाँ पर जो भी था। और यहाँ पर कोने कोने पर बस शूट ही हो रहा था और इनकी यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी और मैं देखो कितनी टायर्ड हो गई हूँ गाइस, मेरा फेस देख सकते हो आप, थक चुकी थी मैं पूरी तरह से। क्योंकि वो हमने डिसाइड किया था कि हमने सारा शूट बस एक दिन में ही ख़त्म करना है तो चाहे जो मर्जी हो जाए बस जल्दी जल्दी में करना है, तो बस लगे हुए थे। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि अलग अलग वॉल्स पर अलग अलग डिज़ाइन है तो यहाँ पर आके आप शूट कर सकते हो, अपना फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो। और सूरज ढलने ही वाला था और आगे है स्विमिंग पूल और इस स्विमिंग पूल का जो पानी था काफ़ी साफ था, इसके अंदर तैर कर बैठ कर खड़े होकर जैसे मर्जी आप वीडियो शूट कर सकते हो। और नेक्स्ट उसके बिल्कुल सामने बना हुआ था बार जहाँ पर अलग अलग तरह की बोटल्स थी और मुझे इनमें से किसी बोटल का नाम तक नहीं पता, पता नहीं कौन कौन सी बोटल रखी हुई थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो ये बोटल्स थी ना सभी की सभी बोटल्स खाली थी, इनमें कुछ भी नहीं था, जस्ट ऐसे ही शो करने के लिए यहाँ पर रखी हुई थी। और आगे जो ये वाली जगह है ना जहाँ पर शूट हो रहा है इसके लिए हमें बहुत समय से वेट करना पड़ा, पहले कोई और शूट कर रहा था फिर कोई और आखिरकार हमारी टर्न आ गई। वैसे ये जो पूरी लोकेशन है दोसांझ कला बहुत सुंदर बनी हुई है, मुझे बहुत सुंदर लगी, आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी यहाँ पर शूट के लिए आ सकते हो। और हमें जो रूम मिला हुआ था उस रूम के बाहर जो पेड़ था उसके ऊपर ये लाइट्स लगी थी जो बड़ी अच्छी लग रही थी। और अभी हो चुकी है रात तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो यहाँ पर मेरे व्लॉग का होता है एंड। तो गाइस आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।